और सर सब बढ़िया? बस बढ़िया, तू बता। बढ़िया बढ़िया सर। सर आप दिवाली में किधर जाओगे? दिवाली वाले दिन इधर, उसके बाद शायद मैं राजस्थान जाऊं। हेलो दोस्त, हम भी निकल रहे ना कल ट्रिप पे 29 आना। हाँ सर, बैग वैग पैक कर ली। आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो दोस्तों। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। केसरिया ऐसा करना था ना तुमने बेटा? नहीं सर। तुम पता है कि आईपैड हैंग हो गया। नो क्लास टुडे ड्यू टू हैवी हैंग। साला एडमिट करने का और शेयर कंटेंट वाला एंड तो को। ओम मीटिंग एंड कर डाल। लॉक कर डाल, लॉक एंड नहीं। सर की मीटिंग है, सर आ ही सकते हैं। अरे नहीं ऐसा, मैं जब बनता था उस तब सर वेटिंग में थे, मैम कॉल ले। पता नहीं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। सर माइक नहीं चल रहा आपका। ओके बेटा, तो आवाज मेरी कैसे सुनाई दी आपको? सिमेंट होता है, मैं भी सी तो हमारे साथ भी सी होंगे। खाना चिर में चैन माए चिर में बोला सर आज आप कुछ नया पढ़े हो, बहुत दिन से आप आधे आधे चिल्ला रहे हो, चालू करें। टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना नाम। और इसको ब्रैकेट में उर्फ क्या बोलते हैं, न्यूटन है यहाँ भी, लेबनीज रूल। चमक गया, क्लियर है? तुमने बोला कि सर ये रूल क्या होता है, पहले आप बॉक्स में हम जो गोकन है वो हम पहले बॉक्स में डाल दो ताकि वो। क्षिति जा गया क्या? आज मेरा अमन पुत्र नहीं आया सर। आया हूँ। ओ आवाज नहीं आई थी, मैं भी सोचू ऐसे ठंडा ठंडा कैसे, घर पे मम्मी ने गुस्सा किया क्या? नहीं सर। खाना नहीं मिला तेरे को? नहीं नहीं खा लिया सर। तभी ठंडा है? नहीं नहीं देखो एक बार मुझे एक कोई कॉमन सेंस से बताएगा, ये वाला फंक्शन किस कौन से फंक्शन का, पूरा टी का या एक्स का? एक्स का। क्यों? क्योंकि वो फिर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स का बन जाएगा। हाँ देखो कुछ भी करो ये टी का फंक्शन आएगा, जब उसमें लिमिट रखोगे तो एक्स का फंक्शन बन जाएगा। आई थिंक सही है। यस सर। हाँ सर। तो पहले तुम पहले प्रूफ तुम पहले एक बार जस्ट रटने वाला प्रोसेस करते फिर प्रूफ देखते हैं। तुमने क्या बोला, अपर लिमिट का डेरिवेटिव फिर अपर लिमिट क्वेश्चन के वेरिएबल में ना, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। इतना चमकता है कि ये, अभी प्रूफ देखते हैं पहले। ये समझ में आया कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हो रहा है ना? हाँ सर। तो अब इजान क्या बोलता है कि सर आप मुझे बताओ? इजान बोला सर मैं रटने वाला बच्चा ही नहीं हूँ, आप मुझे रटाफिकेशन पे लेके जा रहे हो। इसके साथ निश्चय भी मन में बोलता है कि सर चलेगा ना, प्रूफ दोगे तो हम तो गोक लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है बेटा, मैंने मान लिया इसका इंटीग्रेशन कैपिटल आ रहा है ना, एफ ऑफ जो भी आ रहा है, एफ ऑफ टी मान लेता हूँ, ठीक है? तो मुझे स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ मान लिया, तो मुझे बताओ कि ये मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कैपिटल एफ में वो एफ ऑफ एक्स, सोच पा रहे हो?
हाँ सर। अब तो तुम्हें डेरिवेटिव कौन से रूल से करोगे? चेन। तुम्हारा फेवरेट चेन रूल। पहले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एच ऑफ एक्स माइनस एच डैश एक्स माइनस क्या एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश एक्स। अब अमन ने बोला कि सर स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, तो कैपिटल एफ का इंटीग्रेशन क्या सॉरी डेरिवेटिव स्मॉल एफ स्मॉल एफ होगा। तो आई थिंक तुमने तो मेरी प्रूफ समझ में आ गया तुमको? यस सर। अब तुमने बोला सर नोट करने के लिए हम 3 मिनट लेते हैं। और लम्हे और इजान शर्मा सॉरी इजान तात इजान क्या हाल चलते रहे? अच्छा साले तू फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा है ना, वही बच्चा ना तू, तो फिजिक्स पढ़ेगा 4 घंटे। अरे सर ऐसा नहीं है, तो पढ़ूंगा पर तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा तेरा फेवरेट मैथ्स है। सर फेवरेट तो मैथ्स है पर 4 घंटे पढ़ने में क्या क्या पढ़े उसमें? प्रैक्टिस कितनी भी कर कम होती है इसमें। हाँ प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं पर ऐसे बेसिक से पढ़ना तो फिजिक्स में अगर कुछ ना आता तो। और निश्चय ने फिजिक्स बोला ना? मैं बोल रहा था फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा ऐसा, आपने सुना ही नहीं आप पहले ही बात। नहीं 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 दादा ही बल्कि मार रही है तो वो केमिस्ट्री का बोल रहा था। इनमें से पूछो तो अच्छा सब्जेक्ट आएगा। तीन में कंप्यूटर पढ़ेगा ना? नहीं बायो कंप्यूटर बायो सॉरी। अरे नहीं मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और थोड़ा थोड़ा मैथ्स डाला। मुझे लगा बोलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ू। ओह तो अभी सर निकाल मैथमेटिक्स में से दिल तोड़ दिया आज मेरा किसी ने। अभी तो तुम्हें नोट तो कर लिया ना पीए भी? हाँ सर। डन अब ना मान लो बेटा मैं जस्ट अभी तो आईआईटी वालों की इस साल की प्रोफाइल बताता हूँ। अभी जब जेई एडवांस वाले थोड़े हरामी हो गए सिलेबस में अपने यही है जो मैं लिख रहा हूँ सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन वो आजकल ये पूछते हैं मुझे कॉमन सेंस से बताना एक बार ये ओवरऑल किसका फंक्शन आने वाला है? ए और बी का। अच्छा ए और बी कॉन्स्टेंट देता ना x का ही आने वाला ना? हाँ सर क्योंकि तुम t भाई इसमें x कॉन्सेंट्रेट करोगे तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। हाँ जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट रखोगे तो x तो रहेगा ना रहेगा क्वेश्चन में? हाँ सर रहेगा। लेकिन इसका इसमें लैबनिज रूल लगाने का भी बताओ फंडा। अब यदि कोई ऐसा बोलेगा कि अपर लिमिट डेरिवेटिव कर देंगे तो अपर लिमिट तो जीरो हो जाएगा, तो बुद्धि चल रही है? हाँ सर। आजकल बेटा आजकल ये ना थोड़े एडवांस वाले ना थोड़े जेई वाले हरामी होते हैं क्योंकि तो यहाँ पे तो सीधा से देता है ये फंक्शन ऑफ क्या हो रहा है एक्स का हो रहा है ना। तो अभी तुमने बोला कि सर आप ना आप फंडामेंटल से चलने वाले इंसान हो, अब आपने इसका इंटीग्रेशन का आंसर मान लिया क्या आने वाला है? कुछ भी एक्स का फंक्शन आने वाला है, सही लिखा है बेटा मैंने? अरे आई ऑफ एक्स मान लिया मैंने कोई भी एक्स का। हाँ सर एक्चुअली मुझे क्या करना है I of x का डेरिवेटिव करना है, यही मेरा टारगेट है ना? यस सर। थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान रखना। तो तुमने बोला सर इसका मतलब आप ये आपने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन I of x आ रहा है लिमिट विमिट रखे और आप उसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या e. अरे e? सॉरी x ये I of x का x तो मतलब आपने क्या क्या फंडामेंटल चले आप फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद आ रहा है? बड़ा f माइनस छोटा f अपॉन में कितना कितना फंडामेंटल क्लियर है क्या? यस सर अभी थोड़ा ढंग से सुनो ये कुछ मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था फिर जो प्रॉपर बच्चे थे ना वो पूछ लेते हैं।
आई ऑफ एक्स को मैंने सही लिखा है, देखो एक बार ध्यान से देखो, आई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को, और आई ऑफ एक्स को भी सही लिखा है मैंने, हाँ अभी तक सब सही चल रहा है? यस सर। तुमने बोला सर ये डेल एक्स को अंदर ले जाओ, तो लिमिट तो किस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना? हाँ सर। टी वेरिएबल है ये, तो अंदर ले गया। अब बेटा तुम्हारे फिजिक्स, तुम्हारे फिजिक्स वाले कौन कौन से फिजिक्स वाले मुझे अब बताओ कौन कौन से ये फिजिक्स में इस टर्म को कोई ऐसा नाम दिया जाता है? ग्रेडियंट। सी नाकने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या होता है सही में बेटा? देखो ये तुम बताओ, एक चीज बताओ, यहाँ पे दो फंक्शन थे, एक बार सोचना, मैं तुम डायलॉग मारूंगा, ये एक्स भी फंक्शन टी भी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मेजर किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं? तो तुम्हें पास जब दो वेरिएबल और मेजर एक रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको कुछ नाम देते हैं? पार्शियल पार्शियल डिफरेंस। अरे वाह यार, ये तो मैथ, ये तो मैथ्स वाले स्ट्रॉन्ग वाले आंसर दे रहे। आई थिंक तुम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, समझ में आ रहा है? इन दोनों, इन देखो ये पूरे में सोचो, पूरे में सोचो ये क्या हो रहा है, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वैल्यूएट किया जा रहा है ना? हां, टी टी तो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। सोच पा रहे हो? हां सर। और इनटू क्या चल रहा है, डीटी तो चल ही रहा है, ये रहा ये वाला। हां सर। तो d by dt of a से b f of x t dt को तुम क्या लिख सकते हो, तुम बस जो भी फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस रिस्पेक्ट टू क्या कर देना, तो समझ में आया? उड़ गया? नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा, ये अभी एक दो सालों की प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले नहीं पूछ रहा था, ये क्या हुआ कि कॉलेज की मैथमेटिक्स में होता है, तो वो क्या समझते हैं कि तुम थोड़ा बुद्धि लगा लोगे किधर। तू क्या करता, पहले रियल लाइफ में देख लेते हैं, कांस्टेंट लिया, t स्क्वायर बाय 2 लिमिट भी थोड़ी अच्छी ले लेता, 0 से 1 ले लूं क्या? ठीक है, t स्क्वायर बाय 2 आता, हाँ, तो लिमिट कितनी हो जाती, लिमिट रखते x स्क्वायर बाय 2 हो जाती, हाँ, फिर उसका डिफरेंशिएशन कितना था, 2x था, हाँ, यही आता ना फाइनल आंसर, कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने? नहीं, t स्क्वायर 2 था, हाँ, अमन क्या कुछ बोल रहा है? वो t का करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो फिर वो वापस, अरे 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 अमन 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 x square को बाहर निकाला, t square by 2 limit है 0 से 1, अब सही है अमन? हाँ सर। तो ये कितना है, कितना है, x आया, x ही आया, अरे x square by 2 आएगा ना, सो गलती कर गया ना, कितना है, x आया ना? हाँ सर। अब मान लो तुमको ये यही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगाना हो, तो तुम क्या करना चाहते हो, ये डेरिवेटिव को साइन हटाना चाहते हो, तो तुम इसका डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव कितना है, 2x है, हां यस सर, और डेरिवेटिव साइन हट गया, अभी भी x है ना, देख, हां सर, हां फंडा समझ में आ गया अभी? यस सर, यस सर। तुमको पहले डेरिवेटिव करना है तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव करके खत्म करो उसको, यदि ऐसे ऐसे डुएबल इंटीग्रेबल है, ये ऐसा मत समझना कि सर आपने क्यों पढ़ाया, अभी मैं बताऊंगा ना, जिसने तुम डायरेक्ट पहले करने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी सर। हाँ सर, ये पिंक वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप, और उससे वो उसके नीचे वाला कैसे आया? देख इसका मतलब क्या है, ये तू कोई फंक्शन का देना, ये ऐसा ना एफ एक्स माइनस एफ जो भी ऐसा है ना, हाँ
इसमें टी तो एज इट इज पड़ा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके चेंज मेजर कर रहा है? हां समझ गया समझ गया समझ गया। हां सर200 लिख लिया। डन सर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये बिल्कुल बेसिक वाले का डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे बताओ? सर हो गया है। सर बताओ आंसर क्या है? बोल। e raised to 6ln2 minus e raised to 4ln2। साले आंसर नहीं पूरा बोल सकता। e raised to 6ln2 लॉक पढ़ाया नहीं मैंने। e raised to 2 की पावर 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4। चलो ये बिल्कुल सही। देखो इजान को सब पता है। इजान वेरी गुड यार। भाई किस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने तुम्हें पता? जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सर क्या करते हैं? ऊपर वाले को ऊपर करते हैं, नीचे वाले को नीचे करते हैं ना। एलएन का डेरिवेटिव 1/x होते हैं, यही होता है ना? हां सर। अरे क्लास में ये बताया ना साइनस का डेरिवेटिव 2 के x स्क्वायर रिस्पेक्ट में करना, तो सर क्या करते थे? ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते थे, नीचे वाले का नीचे का कर देते थे। आई थिंक इतना ही मैंने पढ़ाया होगा। आई थिंक f'x निकाला सबको आता है, अभी लैब नहीं सिखाया गया। पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव फिर अपर लिमिट क्वेश्चन के वेरिएबल में ln e 3x 3x हो जाएगा। सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ?
फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट वेरिएबल में ln e2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा अपॉन में, ये f डैश x पे लोग दिए और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 बैक चल रहा है, सोचो कुछ कुछ कट रहा नजर आ रहा है क्या? हां 3 2 4 x 2 2 कट गया, x x कट गया, e की पावर 6x माइनस कितना आया, e की पावर 4x, और कहां पे पूछा x = ln 2 पे, e की पावर 4x उधर चला गया, एलन कट जाता, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, आई थिंक 2 की पावर 4 कॉमन आया और 48 आंसर आया क्या? चमक गया क्या? नोट कर लिए सब लोगों को, बोलना मुझे फिर आगे बढ़ते हैं। डन 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 लिख लिया? हाँ सर। यस सर। ट्राई मारोगे? सर अलीशा वेटिंग करता है। अलीशा बैटिंग में अकेली बैटिंग कर रही है, किसका वेट कर रही है वो? किसी से हुआ? हाँ सर हो रहा है। और किसका आया? जुगल। हाँ सही होगा ना, मैथ साल को सही आ ही जाता है, फिजिक्स वाले कहाँ गए? अरे सर हो ही रहा है, इनमें भी फिजिक्स वाला, उसका भी आ गया? नहीं हाँ, अपने को मैथ्स वालों को साइड लेनी है, ठीक है? तुमको लगता नहीं किसका फंक्शन आएगा, मुझे ये पहले बताओ, पहले ये देखने का डालो ये किसका फंक्शन आएगा, भाई का आएगा, तो तुम इसको किस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का डालोगे, वाई के रिस्पेक्ट में? वाई के, वाई लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना हो जाएगा, dx / dy हो जाएगा। हां और आई थिंक तुमने अब वाई का डेरिवेटिव और अपर लिमिट क्वेश्चन में रख दी, मुझे लगता सब लोग यही कर रहे हो ना? हां सर। इससे तुम्हारा dx / तुमको dy/dx निकालते हो ना, dx / dy अगर dy/dx कितना आ गया, sec x आ गया,
तो डबल डेरिवेटिव में तो अभी एक्सप्रेशन डेरिवेटिव करना ना, अब कैसे पहले रूट का करते हो? अरे 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 पंकज, फोर वाई स्क्वायर फिर कितना आएगा? एट वाई डी वाई बाय डी एक्स, आई थिंक डी वाई बाय डी स्क्वायर तुमने वापस रख दी, कितने रख दी? वो कट हो जाएगा, फोर वाई ओ आ गया ना, फोर वाई। हाँ सर, टफ था क्या सवाल? नहीं, यहाँ तक पहुंच गया था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं रखी। थोड़ा फिजिक्स कम करके मैथ्स करेगा तो हो जाएगा ब्रो। अरे मैंने वो y by 2 root y square plus y square वाला सेट किया था। सुधर जाओ सुधर जाओ। डन लिख लिया? हाँ सर। सो गए क्या बेटा? लिख लिया सर। टीस के आ रहा ना, कौन सा डेरिवेटिव है बेटा ये? सर एक सेकंड, हो गया आई थिंक पैरामेट्रिक लगता ये आंसर माइनस टी माइनस टी सर मैं बताऊं? थोड़ा सही कर दे ब्रो। सर मैं बताऊं? सर माइनस टी स्क्वायर, ये फिजिक्स वालों का सही हो गया। हां ये तो टी के पावर 5/3 हो रहा नीचे। आई थिंक तुम्हें तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है ना ये तो। हां सर, तो तुम अगर dy/dt निकाल लो अपॉन में dx by, भाई ये कितना हो जाएगा dy by dt अपॉन में dx by dt, यही होगा ना क्योंकि y तो t का फंक्शन है। तो मैं ऊपर अपर लिमिट 1 डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में 0 आया, t स्क्वायर डेरिवेटिव 2t आया, फिर t स्क्वायर मुक दिया, t की पावर 4 ln t स्क्वायर। सही चल रहा है ना? अरे ये मिल गई मिस्टेक, मैंने इधर जो ऊपर वाला x वाला फंक्शन ले लिया। समझ में आया क्या? हाँ सर। आई थिंक तुमको तो अभी काटने में बिलीव रखते हो, मुझे तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आंसर दिख रहा है। हाँ सब कट। पीयूष क्यों नहीं हुआ ब्रो? हो गया था, मतलब हो गया। सर ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है, वो पहले वाले थे ना वो बहुत डेंजर थे। डेंजर
प्रैक्टिस अभी नहीं है ना बेटा, तुम शीट लगाओगे ना तब जाकर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम बेटा प्लीज दिवाली के वेकेशन में ना एक स्लॉट एओडी की और डेफिनेटली शीट का रखना प्लीज। मैंने फिर बोला चैप्टर यही इंपॉर्टेंट और अपनी इसी शीट नहीं लगाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन क्या है? एक्स जीरो से लेके पाई बाय टू तक है ना। प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस जीरो से लेके कोस स्क्वायर एक्स कोस इनवर्स रूट टी डी टी कॉन्स्टेंट है। पहला प्रूफ तो ये करना है। दूसरा प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या एफ ऑफ एक्स आएगा क्या वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आएगी इन शॉर्ट भाई कॉन्स्टेंट तो इंडायरेक्टली मुझे प्रूफ क्या करना है एफ डैश एक्स क्या है जीरो एफ डैश एक्स यही तो प्रूफ करना ना और आई थिंक साइन स्क्वायर डेरिवेटिव टू साइन एक्स कोस एक्स यहाँ पे रख दो साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स तुमको पता ना जीरो से पाई बाय टू इसलिए वो कट जाएगा इनटू एक्स हो जाएगा सोचो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो या इसका डेरिवेटिव हो गया इसमें टू कोस एक्स माइनस और यहाँ पे रख दो एक्स ही आ जाएगा लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो ये कट गया समझ में आ रहा है तो एफ डैश एक्स जीरो आ गया ऑलवेज यस इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट आ गया। अब मुझे बताओ कांस्टेंट की वैल्यू निकाली कैसे जाए वो कांस्टेंट क्या आएगा कोई दिमाग लगा के बताएगा क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए आंसर सेम आने वाला है तो ऐसी मैं क्या कैसे करूं तो इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा क्या उनको लगता है ये ऐसी x की वैल्यू रख दे क्योंकि x की हर वैल्यू आंसर सेम आना चाहिए इधर लिमिट सेम हो जाए हां क्या रखोगे अपनी मनपसंद की 1/2 - x अरे यार 1/1 अरे π/4 ठीक है x की वैल्यू π/4 रखोगे तो तुम्हें पता ना हर वैल्यू का इक्वल आएगा वो तो हां मैं f(π/4) क्यों निकाल रहा हूं तुम कोई समझने वाले समझ गए क्या हां सर हां सर ये लिमिट सेम हो जाएंगे दोनों 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इन दोनों को ऐड कर दो π/2 तो कितना हो जाएगा π/4 π/4 और पेपर में पता जेई में कैसा आएगा इसकी वैल्यू पूछेंगे वो ये भी नहीं पूछेंगे कांस्टेंट है इसकी ऑप्शन दिया होगा π/4 ये वो तो अभी ईजान जैसे बच्चे तो वो कर आएंगे क्यों ईजान पता कैसे जाएगा ऐसे ऑप्शन में दे रखा ईजान क्या सोचेगा आंसर एक्स पे डिपेंड करता है क्या नहीं तो ईजान क्या सोचेगा एक्स पे डिपेंड नहीं करता तो साला एक्स की कोई भी वैल्यू रखो फिर इजान थोड़ा और स्मार्ट इजान बोला एक्स वैल्यू ऐसे रखूंगा जिसके कारण ये थोड़ा सेक्सी बन जाए इन दोनों को ऐड करें सही बोला ना इजान हां सर तेरी तारीफ हो गई है डन यस लिख लिया डन ना भैया सबने लिख लिया yes, फिजिक्स वालों लिख लिया साले तू तो लिख दिया मैं बता रहा हूँ सर एक मिनट सर हाँ
तो इसमें पाई बाय फोर लेने से अच्छा हम एक को जीरो मान लेते तो जीरो लेता साइन इनवर्स फिर साइन इनवर्स टी का तू करता शाबाश 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 कितना बुद्धि दिमाग लगाई साइन इनवर्स रूट टी कंडीशन कर लेगा ना जैसे तो बेटा सर वो जीरो से कट ही जाएगा लिमिट ही नहीं होगी जीरो ही आएगा उस टाइम में ओ कॉस वाले में आएगा ना वाह बुद्धि वापरी यहां पे जीरो से वन नहीं हो जाएगा ब्रो हां मतलब ये जीरो से वन एक में जीरो से जीरो हाँ तो इसका एंट्री तू कर लेगा ना आईटी बायपास लगा के अच्छे से हाय जान हाँ सर हाय सर डन यस सर हाँ सर हो गया बीच में लिमिट कहाँ से आ गए लेकिन तुम समझदार हो कौन सी फॉर्म है पहले तो ये देख के बता देते हो कौन सी फॉर्म है लिमिट की जीरो बाय जीरो बाय जीरो क्योंकि एक्स या तुम जीरो को जीरो से इंटीग्रेशन जीरो तो जीरो ही होगा ना तो जीरो बाय जीरो फॉर्म देखते तुम्हें तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी जो सबकी होती है मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना चाहते हो तुम मन में कोस है ना कोस कोस टी तो ऊपर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x और कोस एक्स स्क्वायर अपर स्टेप ऊपर वाला स्टेप समझ में आएगा तुमको यस सर बी एलोपिटल में ऊपर का डेरिवेटिव का तो नीचे का डेरिवेटिव तो नीचे का डेरिवेटिव करो कितना आया अरे sin x plus x cos x तो अब तो तुमने फंडामेंटली स्ट्रांग रहने की इच्छा है तुमने बोला सर अब दूसरी बार एलोपिटल मत लगवाना आप ये आप x से डिवाइड कर दो सोच चमका यस सर और लिमिट x एंड इन जीरो है आई थिंक तुम्हारे तो आंसर मेरे से पहले आंसर आ गया 1 सोचो क्यों sin x / 1 होता है cos 0 1 होता है 2 / 2 2 का 2 / 2 1 लिख ली दोस्तों हेलो लिख लिया सर फॉर्म तो मैं दिख गई है पहले क्या करोगे एलोपिटल ना ऊपर वाला डेरिवेटिव करना बहुत इजी होगा इस पर बहुत हार्ड है ना बेटा तुम्हारे सर इतनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम तो करवा ही नहीं पाते उसके बाद अब सर के लिए और भी हार्ड हो गया है ना ओ भाई सर इतनी चैलेंजिंग प्रॉब्लम कैसे कर पाएंगे हेल्प करो सर की कोई चलो शर्म करो मेरे कितना आंसर आएगा कोई बोलेगा क्या सर 1 / e स्क्वायर थैंक यू अरे वन की बार इनफिनिटी याद है ना ई की पावर तुमको तो पता सर बार बार तुम्हारी रिवीजन कराने की कोशिश करते तुम लेकिन बेशर्म हो कि रिवीजन ढूंढ ही नहीं पाते डन
डन ना बेटा? यस सर। अब देता हूँ वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम जिससे तुम्हें करने का मजा आए। टाइम मारोगे सर? क्या करना चाहिए मुझे? अपनी कोई आदतें बताएगा क्या? फाइनेंशियल डिफरेंस। अरे तुम रटते हो ना, इसलिए काम खराब होता है। मैंने वो बता के गलती की। कोई नॉर्मल बच्चे के हिसाब से वो क्या करेगा? एक नॉर्मल बच्चे को पकड़ा दो, वो क्या करेगा? इनमें से किसको बाहर निकाले? कॉन्स्टेंट कौन से? पहले सीधे देखो, एक्स को बाहर निकालेगा। आई थिंक वो नॉर्मल बच्चे ना, जिसने थोड़ी सी भी लिमिट मेरे से पड़ी होगी ना, वो पक्का ना, और कुछ कुछ तो भी अपनी आदत सुधारेगा। मैं इसको दो तरीकों से करके दिखाऊंगा। आई थिंक वो क्या बोलेगा, सर मुझे पता है आपके यहाँ पे क्या चाहते हो। सोच पा रहे हो? यस सर। यस सर। जब सवाल छोटा होता ना, निश्चय सवाल बड़ा कर लेता। तुमको पता है ये रूल निश्चय के पहले? ये वन हो गया, सोच पा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। और ये जो एक्स है ना, वो अकेला, और ये माइनस वन, ये वन नहीं माइनस वन, इसलिए मैं माइनस बार लिख दिया। तुम ये सब इतना फंडामेंटल, मैंने लिमिट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई तुमको भैया। अब तो सवाल तुम्हारे हाथ में दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। अभी तो शायद तुम तो बस अपर लिमिट डेरिवेटिव वन, अपर लिमिट रख दो, नीचे अपर डेरिवेटिव वन, और लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो है, तो ई की पावर जीरो माइनस वन आंसर आ गया। हेलो निश्चय, ये तो उन बच्चों ने सीधा सीधा सोचा होगा। मान लो किसी बच्चे के दिमाग, हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ दूसरे तरीके से। समझ में नहीं आया था। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो जो पहले स्टेप से। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स बार निकाल के नीचे वाले में स्टैंडर्ड लिमिट्स कैसे लगा देते हैं? x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, ये माइनस वन हो गया, ये x और x कट गया, एक x बचा और ये माइनस वन, ये चला गया। अदर दूसरा सॉल्यूशन देखो, दूसरा सॉल्यूशन देखो, क्या ये तुमको समझ में आया? इतना स्टेप अभी वही स्टेप किया ना मैंने, तो x कॉन्स्टेंट दो बार निकाल दिया। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा? डेरिवेटिव करना चाहता हूँ। प्रोडक्ट रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। पहले एक्स का डेरिवेटिव किया वन, तमाशा किसने देखा? उसने। एक्स का हो गया, इसका डेरिवेटिव तुम्हें लेबनीज़ रूल से करना आता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और नीचे डेरिवेटिव कर रहा तो कितना हुआ? ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस तो ये हुआ। यस सर। अब तो तुमको करना आ गया ना सर? कैसा है क्या? अरे एल ऑपरेटर लगा। अरे ये बेवकूफ इंसान, इसको सॉल्व करके आया और हाँ वो तो कट रहा है, माइनस हाफ हुआ। हाँ
तुम दूसरे को ताने मारने चलो तब तो तुम्हारा आंसर खुद का आ जाना चाहिए था। अभी एक अभी इजान की क्या इजान की क्या आदतें होनी चाहिए वापस चलो पिटल वापस चलो पिटल तो तुमको लगता नहीं कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है वो राइट साइड वाला फर्स्ट वन ये तो अभी इतना अभी येलो पिटल लगाना बाकी थोड़ा जितना तुम बुद्धि का यूज करो उतना बेटर है लाइफ में ना कर लोगे ना सेकंड इतना जो गोला बार है दोबारा से मैं करके दिखाऊं पूरा कर देता हूं जब इतना ही किया तो इतना और कर देता हूं डेरिवेटिव किया e की पावर x स्क्वायर नीचे डेरिवेटिव किया 2 e की पावर x स्क्वायर तो 4x e की पावर x स्क्वायर माइनस हाफ सही है कुछ गड़बड़ी हुई मेरे से डेरिवेटिव में कहीं गलती हुई बोल देना प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर शाबाश लेकिन उसमें फर्क पड़ेगा नहीं x नहीं जीरो है ना ठीक है हां सर तो एक तो मुझे पता हां ब्रो मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे भी लग रही है क्योंकि 0/0 फॉर्म बन ही नहीं रही और ऊपर से इक्वल हो ही नहीं सकता कभी या क्या नहीं ये तो सही ना माइनस हाफ अलग हो गया ये तो अलग ही होगा इसका कोई टेंशन नहीं है अरे 0/0 फॉर्म है अरे ये तो 1/2 इसका है ना हां वो तो है पर इसका भी 1/2 बन रहा है अरे नहीं माइनस है सर साथ में माइनस होगा साथ में माइनस है ना हो गया लिमिट एक्स जीरो डालो e की बार एक्स कट जाएगा कॉमन लेके ठीक है एक्स जीरो डालो तो माइनस हाफ ही बनेगा ये तो जीरो बन जाएगा ये टू बनेगा और आगे माइनस पड़ा हुआ है माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस वन कॉन्सेप्चुअली गलती लगे तो बोल सकते जल्दी लिखो डन लिख लिया बेटा हाँ सर सबका डन या कोई है जिसका नहीं लिखा बस डन ना आई थिंक लिख लिया होगा हाँ सर इसमें कोई कॉमन सेंस बताएगा कॉमन सेंस वापरेगा तो सर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला लगाना tan इनवर्स x पे हां पहले इंटीग्रेशन कर दो अब ये मत सोचना कि हालांकि तुम्हें वो तुम अभी थोड़ी देर में पार्शियल डेरिवेटिव का भी समझाया था ना मैंने हां सर लेकिन उसके झंझट में पढ़ने से अच्छा ना तुमको यहां तुम्हारे लिए को क्या कांस्टेंट है फंडामेंटल स्ट्रांग रखो x आई थिंक x कांस्टेंट है तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 / a tan इनवर्स x / a ना हां समझ में आ रहा है ना इसका तो मैं d by dx चाहिए with respect अभी लिमिट भी रखनी तो मैं x और कितना था x square अभी क्या करना चाहिए दोस्तों
लिमिट पुट करने पे तो tan inverse 1 हो जाए वो 0 चला जाएगा डेरिवेटिव में और साथ में 1 by x भी है और या x स्क्वायर ना मैं गलत कर गया क्या अरे x स्क्वायर आएगा ना लिमिट अपर लिमिट सर वो अंदर वाला x स्क्वायर बाय x होगा ना वो x स्क्वायर बाय x होगा अरे क्या तुम क्या बोल रहे हो बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं सर बच्चे कुछ बोल रहे थे ईजान पता नहीं क्या बोल रहे थे नींद में लगता ना बेटा अब तो चेन प्रोडक्ट रूल लगाना माइनस वन बाय स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय फोर ने देखा तमाशा प्लस वन बाय एक्स का हो चुका है टेन इनवर्स एक्स का हो गया था एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा गंदा सा आंसर आ गया हाँ एक मैं अलग ही ये तुमसे होगा नहीं फिर भी मैं घर के लिए दे रहा हूँ ठीक है छोड़ देना कल यहीं से कराऊंगा प्राइम टू प्राइम तो इसमें लिमिट है नहीं इतना ही है ब्रो टफर प्रॉब्लम है ना डन चिन्मय का फेवरेट डायलॉग बोलो चिन्मय का फेवरेट डायलॉग जा सकते हैं सर सर हाँ बेटा कल सुबह का क्या है कल दोबे सर ने क्या बोला था हम कुछ बोला नहीं है सर ने बोला मैं बात कर लूंगा शायद तो फिजिक्स का ही है ना तीन घंटे फिजिक्स है सर आप क्लास ले लेना केमिस्ट्री फिजिक्स तीन घंटे मतलब दोबे सर ले लेंगे बेटा तुम्हारा भाई आजकल थोड़ा हनीमून पैकेज पे घूम रहा है सुबह आपको बैठ पे उठ नहीं पा रहा है कोई बात नहीं सर वहाँ सो जाना भाई मना नहीं मना एक बार इन्फॉर्म से दुबे सर लेंगे ना फिर मैं मास्टर के मैसेज पूछ लेना ठीक है ओके सर बाय बाय बेटा थैंक यू सर बाय सर थैंक यू